जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। नहीं, ये 2 फीट की डिश है और इसके ऊपर हमने मोनो ब्लॉक एलन भी लगाई है। दोस्तों मोनो ब्लॉक एलन भी होती है, उसका सिग्नल जो होता है ना वो आम एलन भी से ज़्यादा होता है, और उसमें एक डाइजिक लगा होता है कि उसमें आप डबल एलन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 5 डिग्री के फासले पर जो 2 सेटेलाइटें हैं वो आप कैच कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैंने 93 और 98 ये दोनों लगाए हैं। 93 DD फ्री डिश के चैनल भी चल रहे हैं और साथ में 98 वाला वतन भी चल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, ये देखें, ये मोनो ब्लॉक की एलन भी है ओरिजिनल डिश टीवी की। तो इसमें 2 LNB होती हैं दोस्तों, ये LNB 1 होती है इसमें और ये LNB 2 होती है। यहाँ पर हम DD फ्री डिश चला रहे हैं, ठीक है, 93-95, और ये 98 चला रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका सिग्नल भी और उसको 1-2 जो इसके LNB है वो भी। ये दोस्तों ये 2 फीट की डिश है और ये तार देख लें, यही वायर है, ठीक है, सीधी ये मीटर में ये बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है नज़र आता होगा आपको, छांव कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखें, ये जो देखें, ये वतन टीवी का जो सिग्नल है ना, ये फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लें, ये देख लीजिए वतन टीवी वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें दोस्तों, हमने ये डाइजिक 2 किया हुआ है, अगर हम इसको 1 करते हैं ना तो ये देखें सिग्नल ऑफ हो गए, ठीक है, यानी कि ये LNB 2 के ऊपर हमने लगाया हुआ है, उसी LNB में ये LNB 2 के ऊपर लगाया। ये मैं आपको चैनल भी चेक करवा देता हूँ, ये देख लें, ये वतन चल रहा है दोस्तों, बेहतरीन चल रहा है। मैं सिग्नल भी आपको चेक करवा देता, ये देखो बेहतरीन सिग्नल के साथ जो फ्रीक्वेंसी देखो, ये ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो NSS 695 वाले जो DD फ्री डिश है वो भी चेक कराती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देख लें, ये B4U मूवी भी चल रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसका मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें दोस्तों, ये LNB 1 पे जा रहा है, इसका भी सिग्नल ज़बरदस्त है। तो ये देखें, जब हम इसको 2 करते हैं तो ये सिग्नल ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 LNB के ऊपर चलेगा। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। और ये एक मोनो ब्लॉक का तरीका हमने बताया कि 5 डिग्री के अंदर अंदर वो 2